नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रिंस और आपका अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद प्रिंस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही खूबसूरत पौधे के बारे में बताएंगे और उसकी किस तरीके से उसको हमें लगाना है, किस तरीके से रिपोर्ट करना है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। किन किन चीजों की सावधानी रखनी है, किस तरह की मिट्टी यूज करनी है, इस सब बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं एरिका पाम। बहुत ही खूबसूरत लगता है, कुछ लोग बाहर भी लगाते हैं इसको, आउटडोर इनडोर दोनों पे लगा सकते हैं। दोस्तों एरिका पाम का ये पौधा हम जो है ना लेकर के आए हुए हैं और इसकी आज हम आपको रिपोर्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है जो लगने के बाद, इसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ पत्तियां इसकी खराब हो गई हैं, जो कि वहां पर रखे रखे खराब हुई होगी। शायद बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग हो गई होगी, इसलिए क्योंकि इसको, इस पौधे को ना ओवर वाटरिंग बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। ज्यादा ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इस पौधे की पत्तियां अक्सर ऐसे खराब होने लगती हैं। और इसकी जो मिट्टी है उस मिट्टी को भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बहुत नॉर्मल सा टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, बहुत कम पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी मिट्टी के लिए एक विशेष बात ध्यान रखनी होती है कि इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो ड्रिलिंग वाली मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि उसमें या तो आप बालू मिला सकते हैं इस तरीके से, इससे वो बहुत ज़्यादा उस पर पानी ना रुके, क्योंकि जड़ों में पानी रुकेगा तो पौधा खराब हो जाएगा। इसमें बहुत सारी पत्तियां आप देख पा रहे हैं जो कि खराब हो गई हैं, तो उन पत्तियों को सबसे पहले हटा देना चाहिए, उन पत्तियों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन पत्तियों को रखने से आपकी दूसरी पत्तियां भी प्रभावित हो जाती हैं। तो इसको लगाने के लिए हमने यहाँ पर ये गमला ले रखा है और इस गमले पर अभी ड्रिलिंग होल नहीं है तो इस पर होल करेंगे। और इसके लिए जो मिट्टी तैयार करनी है वो मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए तो देखते हैं। हमने यहाँ पे गार्डन सॉइल ले रखी है, इस गार्डन सॉइल पे पहले से हमने गोबर की, जो गाय के गोबर की खाद है, वो मिला के रखी हुई थी और ये 15 से 20 दिन के लिए इसको रख देते हैं। ये रिवर सैंड है, लगभग गार्डन सॉइल के बराबर, थोड़ी सी कम रखी गई है। और ये कोकपिट है, कोकपिट हमने ले रखा है यहाँ पे। तो अब हम इसको किस तरीके से इसको एक साथ मिक्स कर लेंगे, और साथ में हमने वर्मी कंपोस्ट ले रखा है, इस वर्मी कंपोस्ट को भी इसमें हम मिलाने वाले हैं। इस पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज़्यादा एक बार आप हमने इसको दे दिया और बहुत ज़्यादा बार बार देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको हम यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे इसके पॉलीथीन को हटा करके, और इसके जो प्लांट्स हैं उसको अच्छी तरीके से, इन पत्तियों को भी हटाना पड़ेगा हमें, जो एक्स्ट्रा पत्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। तो सबसे पहले इस गमले को हम यहाँ पर ड्रिलिंग करेंगे और इसके बाद इस पर मिट्टी डाल करके लगाते हैं। सबसे पहले हम एक कपड़ा इसके होल पे यहाँ पे नीचे रख देते हैं, जैसे कि हमारी जो अच्छी सी सॉयल है वो निकल ना जाए बाहर और केवल पानी पानी निकले। ये हमारे कुछ जूट के रेसे पड़े हुए हैं, इनको भी हम ऐसे नीचे डाल देते हैं, आसानी से फिल्ट्रेशन का काम भी करेंगे। इस तरीके से इसको नीचे डाल देंगे। अब इसके बाद जो हमारी सॉयल है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। अब हम अपने जो एरिका पाम के पौधे को इसको ले लेते हैं, और इसके बाद इसकी जो प्लास्टिक है इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसको निकालेंगे साथ में, अगर इसकी मिट्टी भी कुछ इस तरीके की है जो बेकार हो चुकी है तो थोड़ी बहुत इसको भी हटा देंगे। जो ये रूट बंडल बन चुका है बिल्कुल ये, और इस पर जो मिट्टी लगी हुई है इस पर पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुकी है, यहाँ पे एकदम रूट बाउंड हो गई है। और इसमें जो मिट्टी मिलाई गई है उस मिट्टी पे इन्होंने धान की जो ऊपर की भूसी होती है उसको मिलाया है ड्रिलिंग इफेक्ट देने के लिए, जिससे कि वाटर बहुत ज़्यादा इस पर रुके ना। तो ठीक ही है, मिट्टी और रूट इसकी बॉन्ड हो रही है, तो हम सोच रहे हैं इसकी थोड़ी सी मिट्टी इसकी हटा दें, क्योंकि जिसका रूट बॉन्ड हो रहा है ना उस चीज़ से फ्री होकर के थोड़ा सा ये इसकी रूट अच्छी तरीके से पूरे में फैल पाएगी। तो हम इस पौधे को, अपने पौधे को जो है ना यहाँ पे लगाते हैं अपने गमले पे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा पौधा बिल्कुल सीधा और सेंटर पे होना चाहिए, जो हम पौधा लगा रहे हैं तो सेंटर पे होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, ऐसे करते हैं। अब हम इस पर क्या करेंगे, अपने जो हमने मिट्टी मिक्स करके डाली हुई है उस मिट्टी को डाल देंगे।
पौधे लगाने के बाद सबसे जरूरी होता है कि जो पत्तियां खराब हैं उन पत्तियों को हम पूरे तरीके से काट करके अलग कर दें, जिससे कि उससे दूसरे भी पत्तियां खराब ना हो। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इसमें रेड रेड कलर का ये हो गई है पत्ती, ये सब खराब हो रही है, दूसरी पत्तियां भी खराब हो जाएंगी, इनको हम अलग कर। इसी तरीके से बहुत सारी पत्तियां जो कट गई हैं किसी कीड़े की वजह से, उनको भी हम यहाँ से अलग कर देते हैं, क्योंकि अगर वो कीड़े लगे हुए हैं तो अन्य पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और साथ में अभी हम इस पे इनको हटा दें पहले, पर इसको हटाने के बाद बहुत तेजी से पत्तियां ये ग्रो करेंगी, बहुत फास्ट तरीके से ग्रो होने वाला है इनको हटाने के बाद। ऐसा नहीं है कि हटा देंगे तो सब खत्म, हटाने के बाद बहुत फास्ट तरीके से पत्तियां सारी के सारी ग्रो करने वाली हैं। तो जो एक्स्ट्रा ये हैं इनको हम यहाँ से काट देते हैं, जो बहुत सारी खराब हो चुकी हैं, जो रेड हो गई हैं, इन सब पत्तियों को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये इस तरीके देख रहे हैं ये पत्तियां खराब हो गई, इनको हम यहाँ से हटा देंगे। और ये जो खराब पत्तियां इनको हम यहाँ से काट दे रहे हैं। तो लगभग जितनी खराब खराब पत्तियां थी वो हमने काट दी हैं नीचे से, इस तरीके से जो गंदा था ये सब इसको हम हटा दे रहे हैं, ये पत्ती गड़बड़ थी इसको हम काट दे रहे हैं। ठीक, अभी हमने इनको काट दिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक मिक्सचर बनाया हुआ है, ये इसमें IMC का एग्रो ग्रोथ बूस्टर मिलाया हुआ है, जो कि छोटे मोटे कीड़ों को भी खत्म करता है और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक बार इसका हम पत्तियों पर छिड़काव कर देंगे, सभी पत्तियों पर हम छिड़काव कर देते हैं। तो अगर किसी तरीके के कीड़े वगैरह लग रहे हैं, ऑर्गेनिक हर्बल और ऑर्गेनिक होता है ये, ग्रोथ के लिए ग्रोथ बूस्टर है। चलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, क्योंकि पानी डालेंगे तो थोड़ी सी नमी बनी रहेगी, बाकी बहुत ज़्यादा इसको वाटरिंग पसंद नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इतना पानी डाल देंगे कि नमी बनी रहेगी। और कुछ दिनों में 4 से 5 दिनों बाद इस पर वाटर चेक करते रहेंगे, जब ऊपर का हिस्सा इसका लगभग 1 इंच का सूख जाए तभी पानी करें। और ये पौधा हमने यहाँ पर लगा दिया है, रख दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि अभी ये छोटा है, जब ये बड़ा होगा इससे और भी निकलेंगे तो बहुत ही देखने में खूबसूरत लगने वाला है। दोस्तों इस तरीके से एरिका पाम का प्लांट हमने यहाँ पर रिपोर्ट किया, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, कैसे फर्टिलाइजर देना है, ये सारी जानकारी आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसकी और किस तरीके से केयर करेंगे इससे रिलेटेड हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अगर हमारे चैनल से आप जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल से कुछ आपको जानकारियाँ मिलती हैं, आपकी गार्डनिंग पे कुछ आपको फायदा मिलता है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन लगी उसको हिट कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। अगर आपके मिलने जुलने वाले फ्रेंड सर्कल पे फैमिली के लोग अगर गार्डनिंग के शौकीन हैं, उन सारे लोगों को चैनल जल्दी से जल्दी शेयर करिए, जिससे वो लोग भी जुड़ सकें और उनको भी जानकारी मिल सके। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।